हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहाँ दबदबा तो बड़े चेहरों का है, लेकिन कई छोटे कलाकार भी इस इंडस्ट्री में हुए हैं, जिन्होंने इन बड़े नामों के बड़े असर के बावजूद अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई है। और तुझे मैनेजर रख लेगा, प्रॉमिस बाप प्रॉमिस। एक मेरा स्नेहल डाबी का जन्म 24 फरवरी सन 1977 को मुंबई में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इनका परिवार गुजरात से ताल्लुक रखता है, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि ये एक मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अब इन दोनों बातों में कौन सी सही है और कौन सी गलत है, यह हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमें इनके बारे में सही से मालूम हुई वो यह है कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं। मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के इरादे से इन्होंने BVIT सीबीडी बेलापुर में दाखिला लिया था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से इन्हें बीच में ही अपनी इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी। ऐसे ही मैनेज करता हूं। वेरी गुड, आज से तू इस होटल का मैनेजर। थैंक यू सर। कुछ लोग कहते हैं कि स्नेहल ने पैसे की कमी की वजह से इंजीनियरिंग नहीं छोड़ी, बल्कि इन्हें फिल्मों से पैसे मिलने लगा था, इसलिए इसका नाम है गोविंद गावड़ी। क्योंकि स्नेहल के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही उनका कोई इंटरव्यू कभी सामने आया है, तो इनके बारे में एकदम सटीक जानकारी अवेलेबल नहीं है। किसे मारा पता है? Pokotable.com। कुछ लोग स्नेहल के बारे में ये भी दावा करते हैं कि इंजीनियरिंग छोड़कर इन्होंने लंदन फिल्म एकेडमी में दाखिला ले लिया था और यहाँ से इन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग और फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई की थी। लंदन से वापस आने के बाद स्नेहल ने फिल्म इंडस्ट्री में कई छोटी मोटी नौकरियां भी की। भाई, फोटो खिंचवाते हैं। ए, फोटो के लिए जूनियर भाई। कुछ लोग कहते हैं कि स्नेहल की पहली फिल्म संजय दत्त की महानता है, लेकिन ये बात एकदम गलत है। स्नेहल के करियर की पहली फिल्म राम गोपाल वर्मा की सत्या है। सत्या में एक गैंगस्टर चंद्र कृष्णकांत खोटे के किरदार में दिखे थे। यूं तो एक किरदार छोटा सा था, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग से स्नेहल ने इस किरदार में जान डाल दी थी। हर किसी को स्नेहल का सत्या फिल्म वाला एक किरदार पसंद आया था। उतने में उसका मर्द आ गया। क्या की छावी है मामू? क्या बताने का, ऐश करने का, क्या समझे? स्नेहल की जिंदगी में सत्या के चंद्र खोटे का किरदार लकी चाम बनकर सामने आया। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने स्नेहल के टैलेंट को पहचानना शुरू कर दिया। इन्हें काम मिलने लगे, फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। हालांकि इन्हें ऑफर्स होने वाले ज्यादातर रोल छोटे और कॉमिक्स रोल ही हुआ करते थे। साल 2000 के करीब रिलीज हुई फिल्म मस्त एक ऐसी फिल्म थी जिसमें स्नेहल दाबी एक ऑटो ड्राइवर के किरदार में दिखे थे, जो एक छोटा और कॉमिक किरदार था। इस पूरी फिल्म में स्नेहल मस्त 2 या 3 सीन में ही दिखे थे। तो आया हूं। छोकरी वोकरी का चक्कर है क्या? अभी नहीं सुधरेगा। तेरी लाइफ में भी एक विलन आएगा ना? अबे हीरो तू? इसके बाद स्नेहल ने हर साल 2 या 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी इन्हें कोई तगड़ा रोल नहीं दिया। मस्त के बाद ये फिल्म हेरा फेरी के एक सीन में दिखे और इसी तरह अपने पूरे करियर में छोटे छोटे किरदार निभाते रहे। सेटिंग किया आपने? हाँ भाई, हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ। हालांकि 2001 में आई फिल्म लव के लिए साला कुछ भी करेगा में इन्होंने आज कपूर का किरदार निभाया था और इस किरदार के लिए इनकी खूब सराहना भी हुई। आज भी ज्यादातर सिने प्रेमी इन्हें आज कपूर के नाम से ही जानते है। 2007 में आई फिल्म 1:40 की लास्ट लोकल में इन्होंने हबीबा नाम का एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया था। इस किरदार में भी इन्होंने जान फूंक दी थी। अपने अब तक के करियर में स्नेहल डाबी लगभग 50 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। तो करेगा, तो काम करेगा। उम्र 56 साल। एक और फिल्म जिनमें इनके काम की खूब तारीफ हुई होती वेलकम और उसका सिक्वल वेलकम बैक। इस फिल्म में मजनू भाई के गुंडे के किरदार में दिखे थे। इसी फिल्म को लेकर कुछ दिनों पहले स्नेहल डाबी ने बयान दिया था
कि वेलकम फिल्म को रिलीज हुए 14 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक फिरोज नाडियालवाला ने उनकी पेमेंट नहीं दी है। स्नेहल ने यह भी कहा कि अगर फिरोज नाडियालवाला उन्हें 10 करोड़ रुपए भी देंगे तो भी मैं उनकी किसी भी फिल्म में काम नहीं करूंगा। तेरी तीन आंखें हैं क्या? स्नेहल डाबी ने कुछ फिल्मों के लिए राइटिंग भी की है। इन्होंने न केवल स्क्रीन प्ले राइटिंग की बल्कि डायलॉग राइटिंग भी की है। साथ ही साथ इन्होंने अपना एक खुद का प्रोडक्शन हाउस भी स्टेबल किया है जिसका नाम है द आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन से इन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस और कुछ एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस किए हैं। आज कपूर, वैसे लोग मुझे नहीं जानते। ये काम पहला रे। बेहद प्रतिभावान होने के बावजूद भी स्नेहल डाबी को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया है जिसके वो असली हकदार है। लेकिन बायोग्राफी वे चैनल स्नेहल की प्रतिभा का पूरा सम्मान करता है और उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में स्नेहल डाबी को मुकाम जरूर मिले जिसके असली हकदार है।